अखिलेश भैया जिंदाबाद। स्वागत। एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने मन से आपने अभी तक सबको झेला, मतलब सुनाई है आपने? केवल सुनाई है। स्वागत गौरी, पढ़िए। उससे कई ज्यादा अच्छे मन से आप मुझे सुनेंगे, क्योंकि आपने कुछ देर पहले अंगार भी सुना और अभी कुछ देर पहले हास्य भी सुना और आप मुस्कुराए भी। उम्मीद करती हूँ कि श्रृंगार सुन के भी मुस्कुराएंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जिंदगी में अगर प्यार आ जाए तो जिंदगी अपने आप मुस्कुराने लगती है। क्या बात, मेरी इस उम्मीद को कायम रखिएगा और मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज ये है कि आप सुनने के साथ साथ सब कुछ सुन रहे हैं। एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अपने लिए इतनी तालियां बजाई तो मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि आप बाकी के लिए कितनी बजाएंगे। धन्यवाद। आज के माइक की स्थिति बहुत ही शोचनीय है, विचारणीय है, क्योंकि आज का आधा कवि सम्मेलन तो ये माइक हमारी आवाज़ के साथ साथ खा चुका है, जैसा मुझे लग रहा है। बहुत आवाज़ खींच रहा है ये, और वंदना ही पड़ी थी तो गले में दर्द होने लग गया था। दद्दू बिल्कुल सही कह रहे थे, ये आवाज़ बहुत खींच रहा है, इसलिए आप इसका ईको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। थोड़ा बढ़ा दो भैया, अच्छी चीज को हर कोई खींचता है, माइक का क्या दोष है भैया? नहीं मुझे नहीं खींच रहा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, स्वागत स्वागत। माइक का कोई दोष नहीं, ऐसा लगता है। और हाथ मत रखिएगा, करंट मारता है, फिरोजाबाद का माइक है, हाथ मत रखिएगा बस। जय हो जय हो। ये फिरोजाबाद का माइक है और इस पे हाथ तो मैं ज़रूर रखूँगी, क्योंकि ये चूड़ियों के लिए मशहूर है, और जब तक मेरी खनखनाहट से ये गुंजायमान नहीं होगा तो शायद ये आवाज़ भी नहीं देगा। एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छे। और इनके लिए तो क्या कहूँ, मैं कविता से शुरू करना चाह रही थी, आप लोगों से शुरू करना चाह रही थी, परंतु हास्य छंद के रूप में किस तरह से प्रस्तुत किया जाता है इन्हीं को ध्यान में रखते हुए सुन लीजिएगा, और इनके लक्षण बताते हुए आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगी। प्रमोद जी, इन्होंने मुझे पहले ही इशारा कर दिया, प्रमोद जी ने, कि गौरी छोड़ना मत इन्हें। नहीं, हम भी चाहते हैं कि ना छोड़ें आप हमें। हमारी खुशकिस्मती, घर में दही बड़ा देखते देखते आज रसमलाई ना छोड़े तो क्या दोते? क्या मतलब है, बहुत अच्छी बात है। तो फिरोजाबाद का शुक्रिया, लोगों का शुक्रिया कि ऐसा खूबसूरत चेहरा हमको न छोड़ने की बात कर रहा है। हम तो कहते हैं ये कवि सम्मेलन ताजन्म चलता रहे, आप ऐसे पढ़ते रहें, हमें न छोड़ने की बात करते रहें। बहुत अच्छे, एक बार तालियां वालियां बजाइए। हाँ, पढ़िए पढ़िए गौरी जी, पढ़िए। समझ में नहीं आ रही है, पढ़िए बोल रहे हैं, लड़िए बोल रहे हैं, लेकिन ये वो इंसान है, मुझे प्रमोद जी बता रहे थे, अभी अच्छा हो गया है, मैंने इसे छू दिया, ये बिल्कुल अच्छा हो गया, अब दूसरा माइक भी आ चुका है। तो जो बेचारा माइक रखने आया था उसको भी छू देते, ब्याह हो जाता बेचारे का। 4 साल से प्रतीक्षा में है वो, ब्याह नहीं हो रहा उसका। हाँ, पढ़िए, बहुत अच्छे। दरअसल बात यह है कि जब प्यार आता है तभी सब कुछ होता है। शानदार। अब उनका ब्याह तो क्या पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। चलिए, और मैं सोचा दोबारा उम्मीद में आ गया क्या, फिर से वही। चलो गौरी जी, बहुत अच्छा सुन रहे हैं, बढ़िया। भाई साहब को थोड़ा साइड कर दीजिए,
दो दो अच्छे नहीं लगते, इसको हटा दीजिए। चलो चलो, हेलो हेलो, वैसे सही हो गया है। हाँ ठीक है ठीक है, वो आया दोबारा उम्मीद में आया बेचारा वो, इसको ले जा भैया। किसको? माइक को, माइक को ले जा। भाई फिरोजाबाद जिंदाबाद, भाई मुखर श्रोता आप लोग, मैं सैल्यूट करता हूँ आप लोगों को। हाँ स्वागतम। ये वो इंसान है, मुझे प्रमोद जी बता रहे थे कि 7 जन्मों की बात कर रहे थे, और हकीकत तो ये है इनको करवा चौथ करने वाली पत्नी मिले या ना मिले, लेकिन मौन व्रत करने वाली पत्नी ने ज़रूर चाहिए। और एक छंद प्रस्तुत करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यहीं से आप जुड़ जाएंगे मेरे साथ। जी बैठ जाइए, आइए। आज यहाँ सब गुलाबी रंग के दुपट्टे में नज़र आ रहे हैं। ऑरेंज, ऑरेंज भी है, गुलाबी भी है। मेरी नज़र जहाँ जा रही है वो गुलाबी नज़र आ रहा है। और आप भी अगर गुलाबी रंग में देखना चाहते हैं इस नज़ारे को, तो 4 पंक्तियाँ देती हूँ, उम्मीद करती हूँ यहीं से आप जुड़ जाएंगे। सुनिएगा। स्वागत स्वागत गौरी। गुलाबी नोट से ज्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी। चाचा जी आप मत बजाइए ताली, आप गलत समझ रहे हैं। जब से हमारे देश में वो बाबा बाबा पकड़े गए हैं, मुझे दादाओं पे भरोसा नहीं रहा। मैं चाहती हूँ यहाँ के नौजवान, और प्रमोद जी बता रहे थे यहाँ कोई दादा नहीं है, सब भूतपूर्व नौजवान हैं, वो अपने आप को भी इसमें शामिल कर सकते हैं। और अब सुनिएगा और अपनी मोहब्बत मुझ तक पहुँचाइएगा, पढ़ती हूँ। गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, गुलाबी नोट से ज़्यादा गुलाबी गाल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी, तुम्हें अपनी मोहब्बत से मैं माला माल कर दूंगी। बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी, बहुत नादान है यूं तो इन्हें नीताल की गौरी। मिले ताली, मिले ताली, हाँ मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, मिले ताली तो इस धरती को नैनीताल कर दूंगी, जो ना ताली बजाई तो। इसे नेपाल कर। ये सूचना अक्सर जनहित में मैं इसलिए जारी कर देती हूँ क्योंकि न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है, वही आवाज। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, और इतने मन से सुनने मेरा मन कर रहा है। अब 4 पंक्तियां मैं आपके लिए पढूं, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के युवा साथी मैं देख रही हूँ काफ़ी देर से हमारा मनोबल बढ़ा रहे हैं, यहाँ सबने सबकी बातें की, बुजुर्गों की बातें की, बाबाओं की बातें की, माताओं बहनों की बातें की, लेकिन फैजाबाद जैसे शहर में, फिरोजाबाद जैसे शहर में किसी ने भी यहाँ के युवाओं की बात नहीं की। मैं श्रृंगार रस की कवित्री हूँ, प्रेम मोहब्बत के बारे में लिखती हूँ। मैं यहाँ के युवाओं के 4 लक्षण अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से बताना चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ जिम्मेदारी आप सब अपने ऊपर लेंगे कि मेरी बात का समर्थन करेंगे। पढ़ती हूँ, सुनिएगा। वाह जी, सुनिए। स्वागत। आप लड़िए मत,
स्वागत स्वागत। आप जिसके लिए लड़ रहे वो आज आई ही नहीं है, पड़ी आइए। स्वागत स्वागत। अब आप भाभी जी जरा फिर उनका झगड़ा सुलझा दीजिए, सुनिएगा। स्वागत गौरी जी। इन्हें बस जनवरी ते तो दिसंबर मांग लेते हैं, हालांकि इस नौजवान पीढ़ी में वो बुजुर्ग भी अपने आप को शामिल कर सकते हैं जो दादा बनने की उम्र में दूल्हा बनने के सपने देखते हैं, सुनेगा। इन्हें बस जनवरी दे दो दिसंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं, जमीन दिखती नहीं फिर भी ये अंबर मांग लेते हैं। बताओ क्या के लड़के बनी है कौन मिट्टी के, बताओ क्या के लड़के बनी है कौन मिट्टी के, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं, जरा सी बात भर कर लो तो नंबर मांग लेते हैं। और मैं जानती हूँ भाभी जी ताली वही लड़के बजा रहे हैं जो आज भी ऐसे काम करते हैं, वो मोबाइल लेके इसलिए लड़ रहे थे नंबर हम लेंगे पहले नहीं नंबर तो हमने। भाभी जी इनके बिचारों का दोष क्या है मेरी समझ में नहीं आता, जिस महीने के दो दिन बचे हों, जिस महीने के दो दिन बचे हों वो दिसंबर दे नहीं सकती, जो बेचारे चार घंटे से जमीन पे खड़े हैं उनको अंबर दे नहीं सकती, और जो तुम्हारे कहने पर जान दे देते हैं इस देश के लिए तुम उनको अपना नंबर नहीं दे सकती। हो गई क्या दिक्कत है, ये देश के भविष्य है नौजवान। एक बार बजा ताली जोरदार तरीके से। हाँ गौरी जी पढ़िए। स्वागतम। ऐसा है ये फिरोजाबाद है, चूड़ियां बेचता जरूर है पहनाता जवाब पहनता नहीं है चूड़ियां। हाँ अब जवाब तो नहीं, नहीं, नहीं जवाब नहीं देना चाहिए नहीं, भले घर की लड़कियों को जवाब नहीं देना चाहिए नहीं। काव्य पाठ करना चाहिए नहीं, तो मैं इसीलिए कहना चाहती हूँ हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर राज सरेआम यूं खोला नहीं करते, हर कवि सम्मेलन में नफा नुकसान तोला नहीं करते, और जब गौरी मिश्रा सुना रही हो अपने दोस्तों को कविता तो मेरे भैया बीच में यूं बोला नहीं करते। आप लोगों को मजा आ रहा ना, है ना? निपट गया। कोई कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बताए मत करो सबको। गौरी आपने जो बयान दिया है वो एकदम सच्चा है, लेकिन घर की बात घर में रहे तो ज्यादा अच्छा है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये घर की बात बता रहे हैं तो मैं सच को एक बात कहना चाहती हूँ। स्वागतम। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे मैं खाऊंगा, इनका बेटा। अब आप समझ सकते हैं जिनके पापा ऐसे होंगे उनका बेटा कैसा होगा। ये वही पापा है जब पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने बच्चे को लेकर के टीचर के पास जाते हैं तो टीचर को इतने ध्यान से देखते हैं कि टीचर को बोलना पड़ता है जितना ध्यान आप मुझ पे दे रहे हैं उतना अपने बच्चे पे दीजिए। तब मैं इनके बच्चे के लक्षण बताती हूँ। इनके बेटे ने मम्मी जी से टूथपेस्ट मांगा, बोला मम्मी पेस्ट दे दो मुझे मैं खाऊंगा, मम्मी ने चाटा लगाया बेटे ने भी चिल्लाया, बोला तुम्हें आज पापा जी से पिटवाऊंगा, पापा ने भी पेस्ट चखा स्वाद लेके भी कहा। हालांकि अब आप इनके लिए नहीं बल्कि इनके बेटे के लिए ताली बजाना। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा स्वाद लेके बोले तुझे जूती में लगाऊंगा। इसके बाद मैं देखूंगी किस किस को छंद समझ में आया। बेटे ने पापा से कहा, पापा ने भी पेस्ट चखा स्वाद लेके बोले तुझे जूती में लगाऊंगा। तू तो इसे रुखा रुखा खा रहा था बेवकूफ, मैं तो इसे आज रोटियों के साथ खाऊंगा। तू तो इसे कितना मुस्कुरा रहे हैं बेटे की तारीफ में, ये इतने अच्छे इंसान हैं कि इनके बेटे एक बार अपने टीचर से जाके पूछने लगे कि मैडम कल आपने मेरे पापा को फ़ोन किया था क्या? मैडम ने कहा नहीं, तो तुम्हें कैसे पता चला? कह रहे नहीं नहीं कल मेरे पापा के फ़ोन पे लिखा था 3 मिस कॉल। आपको घर जाके समझ में आएगा। पढ़ती हूँ और मैं बताना चाहती हूँ।
एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, हालांकि आपको लग रहा होगा कि हाथ से प्रस्तुत करने की जो छंद की विधा मैंने अपनाई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ कविता के साथ साथ छंदों को भी समझा जाता है। एक बार पुनः आप अपने सम्मान में ताली बजा दीजिए और दोबारा मैं इनका सम्मान करती हूँ ताकि अच्छे से इनका सम्मान हो जाए जो अभी तक किसी कवि ने नहीं किया है। आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार मुझे स्वीकृति दे दीजिए पुनः। स्वागत स्वागत। छंद बंद तो क्या अच्छे लग रहे हैं, बस आप खड़े हो तो इनको अच्छा लग रहा है। आप तो पढ़ो, बस कुछ भी पढ़ो अच्छा है। हाँ स्वागतम। एक बार इन बेटा बैठ जाओ बेटा, मुझे ऐसा लग रहा था इनका बेटा कहीं घर से ना आ गया उसी भागते हुए। किन की तारीफ सुनना। स्वागतम स्वागतम। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। एकदम नई बात इनकी बताती हूँ जो शायद आपने कहीं सुनी नहीं होगी, इनका परिचय देती हूँ। एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा, घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। हम इनकी झाड़ू, इनके लिए जोरदार सम्मान होना चाहिए। देखिए आप बहुत कम ताली इनके लिए बजा रहे हैं, एक बार बता दीजिए कितना अच्छा संचालन ही कर रहे हैं मंच का। वो तो इतना भी समझ में आ रहा है कि कविता विता के लिए नहीं, इन नौजवानों का मन आपके खड़े रहने से ही लगा रहता है। और आप मेरे घर आके झाड़ू लगाए या मैं आपके घर, इतना तो समझ में आता है कि इनके घर मेरा आना जाना तो लगा ही रहता है। स्वागत पढ़िए गौरी जी, एक बार तालियां वाले जोरदार तरीके से बजा दीजिए। आप गीत पढ़िए, छंद पढ़िए, कविता पढ़िए, बढ़िया पढ़िए जी। बिल्कुल मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन घर आने जाने की बात तो ठीक है, पर मैं कहना चाहती हूँ आपने खुद ही बताया, मैं थोड़ी बता रहा हूँ, खुद ही बताया। अब आदमी झाड़ू लगाएगा तो और भी काम अच्छी तरीके से आते हैं भाई, ऐसा थोड़े मतलब पोंछा ओंछा भी लगा लेता हूँ मैं तो। मैंने कहीं चार पंक्तियाँ सुनी है, शादीशुदा इंसान अगर ऐसी बात करे तो चार पंक्तियाँ मैंने कहीं सुनी है जो मुझे याद आ रही है। और मुझे लगता है जो हालात हैं इन्हें वो कहनी चाहिए कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना कि होंगे आप बहुत अच्छे झाड़ू लगाने वाले, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। पढ़ती हूँ सुनिएगा। हमारे देश में भांति भांति के लोग हैं, परंतु भांति भांति की दृष्टि रखने पे हमारे देश की नारी भांति भांति के जवाब जब देती तो कहती है, कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। उम्मीद कर तो यहाँ आपका आशीर्वाद मिलेगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी, हंस गाएगी तो मेरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, इस देश की नारी का परिचय देते हुए कहती हूँ, देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने, रण बीच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु जिनके हाथ खामोश थे, मैं उम्मीद करती हूँ अब खामोश नहीं रहेंगे। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। गौरी तो है वाह, परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। तब कहना चाहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी। मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत मड़क से, भूल ना सकोगे वो निशानी बन जाएगी। दिल थाम लेना गौरी, दिल में समा न जाए बात
चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। मेरी एक दोस्त है जो अक्सर मुझसे अपनी मन की काफ़ी बातें शेयर करती है। उसने अभी कुछ दिनों पहले मुझसे एक बात शेयर की जिसको मैं एक पैरोडी के माध्यम से आपके आंगन में शेयर करना चाहती हूँ। मुझे स्वीकृति दे दीजिए, मैं पढ़ती हूँ। बिल्कुल, लेकिन ऐसे खामोशी से नहीं, तालों के ताल के साथ सुनेगा। स्वागत, पढ़िए। मेरे सामने वाली खिड़की में, वाह डीजे वाले बाबू इसका इको बढ़ा दो। स्वागत। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। इतनी खामोशी से नहीं, मैं जितनी हिम्मत से इस माइक पे पढ़ रही हूँ आप भी उतनी हिम्मत मुझे सामने से दीजिएगा। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। दादा की उम्र का है लेकिन, दादा की उम्र का है लेकिन मुझे मीठू मीठू करता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। एक बुढ़ा नेता रहता है। एक बुढ़ा नेता रहता है। आगे बताऊं? तन से वो आशा राम सा है, उसे राधे माँ बस प्यारी है। मैं उन्हीं लोगों की बात कर रही हूँ जिनके घुटने का दर्द तो बिल्कुल अटल बिहारी वाजपेयी जी की तरह है, लेकिन अंदर से बिल्कुल आशा राम जैसे हैं। तब सुनेगा। तन से वो आशा राम सा है, उसे राधे माँ बस प्यारी है। हरकत से राम रहीम लगे, खुद को समझे अवतारी है। मैं हनी प्रीत सी लगती हूँ, मैं हनी प्रीत सी लगती हूँ। हर शाम वो मुझसे कहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक बुढ़ा नेता रहता है। दादा की उम्र का है लेकिन मुझे मीठू मीठू करता है। दादा की उम्र का है लेकिन मुझे मीठू मीठू कहता है। कथा समाप्त हो गई। एक गीत पढ़ दीजिए गौरी जी, बस। मैं गीत के साथ साथ एक बात और कहना चाहती हूँ। हमारे देश में जिम्मेदारियाँ इस कदर बढ़ती जा रही हैं कि प्यार कहीं ना कहीं पीछे छूटता जा रहा है। और जिस प्यार के कारण मैं आपके आंगन में चल के आई हूँ, तब मैं कहना चाहती हूँ, छोटी सी बच्ची यहाँ दौड़ती भी आ रही है। बच्चों को देख के काफ़ी सारी बातें याद आ रही हैं मुझे, लेकिन वो बाद में करूँगी। उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ। हमारे देश की बेटी जब प्रेम करती है तो कहती है, न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ। न मैं मीरा न राधा हूँ तुझे घनश्याम लिखती हूँ। मेरे मनमोहना अब रात दिन ब्रिजधाम लिखती हूँ। मुझे मालूम है पल भर में ही मिट जाएगा, लेकिन समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। समंदर की लकीरों पर मैं तेरा नाम लिखती हूँ। और किस तरह से 16 साल की उम्र का वो कच्चा प्यार होता है। जब प्रेम की बात एक नारी करती तो कहती है, लहर लहर लहराई जुल्फी हिरनी जैसी चाल हुई, बढ़िया बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। यहाँ से आपको तालों की ताल देनी ताकि मेरा गीत और मधुर हो। लहर लहर लहराई जुल्फी, अरे लहर लहर लहराई जुल्फी हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई। लहर लहर लहराई जुल्फी। हाँ, गीत का पहला बंद पढ़ती हूँ। एक दृश्य आपके सामने बनाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप किस तरफ से सुन रहे हैं आदरणीय। पढ़िए। मैं इधर पढ़ रही हूँ।
आप कहाँ उधर देख रहे हैं, सुनिएगा। एक नारी किस तरह से अकेले में अपने मन के भाव को व्यक्त करती है और कहती है, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी, पैसे 4 कमाने में, तूने फिक्र। मुझे अच्छा लग रहा है कि एकमात्र शक्ति ने ताली बजाई है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मैंने नारी मन की बात को कही है, उसी मन से सुनेगा। तूने फिक्र नहीं की मेरी, उलझा रहा जमाने में, सारी उम्र गवा दी अपनी, पैसे 4 कमाने में, क्या खोया तुझको पाने में, ये तू समझ नहीं पाया, दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया, दुनिया रही दीवानी मेरी, पर दिल को तू ही भाया, तुझको क्या तेरी मुर्गी दाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, अरे बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, लहर लहर लहराई सुल्फे, हिरनी जैसी चाल हुई, बंधी पाँव में प्रीत की पायल, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई, उम्र जो 16 साल हुई। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए गौरी मिश्रा के लिए। बहुत बहुत आभार। चलते चलते एक निवेदन के साथ, अगर आप लोग मुझे स्वीकृति दें, महावीर स्वामी के चरणों में अपनी वंदना के कुछ शब्द अर्पित करना चाहती हूँ। आप लोग अगर स्वीकृति देंगे तो मैं उसे पढ़ूंगी। सभी की स्वीकृति। बहुत हिम्मत मिल चुकी है आदरणीय, आप दोनों ने जिस तरह से मुझे हिम्मत यहाँ आकर के दी, क्योंकि जिस तरह से कुछ अच्छी बात जब अच्छे गीत पड़े जाते हैं और माहौल खामोशी से सुनने लगता है तो अच्छा तो लगता है कि आप लोग बहुत खामोशी से सुन रहे हैं, लेकिन जब आपकी प्रतिक्रिया नहीं आती है तो कुछ मन में खटकता भी है कि क्या पता हमारा लिखना सार्थक हुआ है कि नहीं। अगर अब तक मेरे गीत आपके मन को छुए हो तो मुझे एक बार बता दीजिए। स्वागत। आपके इसी हिम्मत के कारण परशुराम, माफ कीजिएगा, महावीर स्वामी की वंदना जो मैंने अभी नई लिखी है, उसकी मुंह दिखाई इस मंच से करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने देखा ये ऐसा भव्य मंच है जहाँ पे आकर के शायद हर कविता अपने आप में तीर्थ कर लेती है। अपनी इस वंदना को भी मैं तीर्थ कराना चाहती हूँ, आपके आशीर्वाद के स्वरूप महावीर चरणों में समर्पित करना चाहती हूँ, और देखना चाहती हूँ कितनी मोहब्बत इस वंदना पे आपके। इस निवेदन के साथ कि जब भी भगवान की पूजा अर्चना या वंदना होती है तो भगवान को भोग लगता है, भक्त खुद भोग नहीं लगाते हैं। मेरा इशारा पहुंच गया होगा मैं कहाँ कहना चाह रही हूँ, सुनेगा। स्वागत गौर। जिसने धरती को बिछा लिया, बढ़िया, जिसने अंबर को है ओढ़ा, जिसने धर आभार, जिसने धरती को बिछा लिया, कुछ देर के लिए, अभी नहीं, मैं वंदना पढ़ रही हूँ, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप जैन तीर्थ नगरी में इस मंच को, अगर जैन समुदाय के सभी मेहनतकार लोगों ने सजाया है तो वंदना के समय कैसा भाव होना चाहिए, मैं वही। स्वागत। पढ़िए गौरी जी। बढ़िया बढ़िया वंदना है, बहुत अच्छी वंदना। जिसने धरती को बिछा लिया, जिसने अंबर को है ओढ़ा, केवल कुछ तालियों से नहीं, अगर बजानी है तो मैं चाहती हूँ पूरा सदन उनकी वंदना करने के लिए एक एक हाथ आकाश भर खड़ा करके साथ देंगे मेरा। जिसने धरती को बिछा लिया, जिसने अंबर को है ओढ़ा, जिसने वश में कर लिया सहज अपनी इच्छाओं का घोड़ा, जिसके शुभ वस्त्र दिशाएं है, जिसकी अनुचरी हवाएं है, हर रोज पांचता युग युग से सूरज जिसकी गाथाएं है, जिनकी वाणी अमृत बनकर निशदिन झरती है पृथ्वी पर, वो महावीर ही कहलाए, वो
वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर। जो त्याग कामनी कंचन को, सन्यास धार धाए वन को, कैवल्य मार्ग किस तरह मिले, ये ज्ञान बताया जन जन को, जिनसे है सुरभित सुमन आज, नवदीप्त माने तारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियाँ के धारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियाँ के धारे। वाह, एक बार बिटिया के लिए तालियां। प्यारी सी बिटिया, इस बिटिया के लिए अगर मैं चार पंक्त कहूँ तो गलत नहीं होगी कि विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, विधाता भी जिसे पाने की खातिर खूब रोता है, नियंता सृष्टि का प्रारंभ जिसके द्वार सोता है, ये गुलशन की महकती खुशबुएं कहती जमाने से, जहाँ पर बेटियां होती वहीं पर स्वर्ग होता है, जहाँ पर बेटियां होती। और तब कहना चाहती हूँ मेरे साथ जुड़ जाइएगा, एक और बच्ची आ रही है। तब स्वर्ग कहोगे तो आएंगे आएंगे। बहुत अच्छे, एक बार और तालियां, थोड़ी सी आपकी कमजोर हो गई हैं, तालियां थोड़ा सा एक बार। ये वो बेटियां हैं जिनके लिए मैं अगर ये कहूँ, जो कल बड़े होकर के न जाने आपके संस्कारों, दिए हुए संस्कारों के कारण क्या से क्या रूप धारण करेगी, जिनके लिए कहना गलत नहीं होगा। लड़ी थी डट के गोरों से, कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है, और मुझे जब इस वतन की बेटियां दिखेंगी वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। और जुड़ जाइएगा, इस वंदना का अंतिम बंद पढ़ूंगे और उम्मीद करती हूँ मोहब्बत भरी विदाई दे करके मुझे विदा करेंगे। और आप थकिएगा नहीं, अपने हाथों को खामोश मत रखिएगा, बहुत हिम्मत करके पढ़ी, मेरी हिम्मत बढ़ाएगा। जो त्याग कामनी कंचन को, सन्यास धार धाए बन को, केवल्य मार्ग किस तरह मिले, ये ज्ञान बताया जन जन को, जिनसे है सुरभित सुमन आज, नभ में तारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियां के धारे, जिनके बस एक इशारे से रुक जाते नदियां के धारे, चित जल पावक अंबर समीर, सब में जिनका अस्तित्व अमर, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, वो महावीर ही कहलाए, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम तीर्थंकर, दुनिया में अंतिम। वाह 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 वाह। एक बार दोनों हाथ उठा करके बोलिए भगवान महावीर की। अब जो लोग जा रहे हैं थोड़ा बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए बैठिए बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए, आप भी बैठिए। ऐसे थोड़े ही है नेताओं की सभा, थोड़े कि कोई भी आए कभी भी उठ करके चल दे, ऐसे मैं कह रहा था। आप चले जाइएगा थोड़ी देर, बस 5-7 मिनट के बाद चले जाइए। जो लोग भी जा रहे हैं इनसे निवेदन है, वो भाई साहब आपको आपकी पत्नी की सहेली की कसम, बैठ जाइए, अब इससे खतरनाक कसम तो कोई दे ही नहीं सकता। मैं बैठ जाइए, मैं 5 मिनट में, 5 मिनट आपके कीमती लेना चाहता हूँ, बैठ जाइए थोड़ी देर। आप भाई साहब कहाँ चले, हाँ बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाइए। जो लोग